बात आई क्या समझ में? सवाल को पढ़ के समझो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि कॉरपोरेट लेवल पर होता है, उसके काम बताने हमारे को। ये तो हमने अपने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में पूरा पढ़ा है कि काम क्या होते हैं हमारे सीईओ के या टॉप लेवल के, वही पूछा जा रहा है। तो देख लो, पांच सवाल हमने किए, पांच सवाल हमने अभी किए, ठीक है? कौन सा था हमारे केस सिनारियो में? पहला सवाल था राज का, जिसमें उसने हमसे विजन और मिशन के बारे में पूछा। दूसरा था यमी, और टेस्टी वाला, इसमें हमसे प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा गया। तीसरा सवाल रमेश शर्मा का था, जिसमें हमसे लिमिटेशंस के बारे में बात की गई। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चौथा सवाल धर्म सिंह का था, जिसमें हमसे स्ट्रैटेजी पूछी गई थी कि स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है, फंक्शनल लेवल को शामिल करें या नहीं करें। फंक्शनल हेड मस्ट बी इन्वॉल्व। और पांचवा सवाल अभी हमारा है, पांचवा सवाल हमारा किसका है? एबीसी लिमिटेड का। एबीसी लिमिटेड का सवाल है, जो कह रहे हैं सीईओ कॉरपोरेट लेवल पे होते हैं, और इनके एक्टिविटीज क्या हैं, काम क्या हैं। तो ये पांच सवाल हमारे ने जो है वो केस सिनारियों के तहत किए। ऐसे दिमाग में ना छप जाना चाहिए। अगर ऐसे दिमाग में आपके सब चीजें छप रही है, तो सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में है। 40+ से ज्यादा स्कोर करना आप सबके लिए आसान हो जाएगा। मुझे बताओ, अब आपको लग रहा होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को तो घोल के निचोड़ के पी जाएंगे, और 40+ आसानी से हम ले आएंगे, 40+ हम आसानी से ले आएंगे। बात आ रही क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। इजी पीजी लगना चाहिए आपको, इजी पीजी लगना चाहिए आपको। सवाल कैसे लगने चाहिए आपको? कि सवाल बहुत इजी हैं आप सबके लिए, ठीक है? तो पांच सवालों को डिस्कस कर लिया अपन ने। पहला सवाल डिस्कस किया मिस्टर राज का, राज ने हमें कहा विजन और मिशन बताओ मेरा क्या है। दूसरा सवाल यमी एंड टेस्टी फूड्स का था, जिसमें हमने प्रोएक्टिवनेस और रिएक्टिवनेस स्ट्रैटेजीज की बात की थी। तीसरा सवाल हमारा रमेश शर्मा जी का था, जिसमें हमने लिमिटेशन और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात की। चौथा सवाल हमारा धर्म सिंह जी का था, जो कि साइक्लिस्ट कंपनी के फंक्शनल हेड है माउंटेनियरिंग बाइकिंग के, उसमें हमें फंक्शनल हेड को इन्वॉल्व करना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात की। और पांचवा सवाल अभी हमने एबीसी लिमिटेड का देखा, जिसमें सीईओ के काम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, जो कि कॉरपोरेट लेवल पे होते हैं। तो इस तरीके से पांचों सवाल हमने देख लिए। किस तरीके से इन पांचों सवालों को हमने एब्स के सिनारियों के बेसिस पे देखा।